नमस्कार अनिल जी, एनबीसी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ नमस्कार नमस्कार अभिषेक भाई। अनिल जी, बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से महज 11 साल के बच्चे सोनू ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। वहीं सोनू ने कहा कि मुझे सर पढ़ना है और हमारे क्षेत्र का जो स्कूल है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, पढ़ाई अच्छे तरीके से होती नहीं है। वहीं सोनू ने अभी साफ साफ कहा था कि हमारे क्षेत्र के एक सर हैं, दीपक सर हैं, जिनको इंग्लिश शुद्ध से बोलने नहीं आता है। क्या कहिएगा? वो जो बच्चा 11 साल का बच्चा जो सोनू बोला है वो एकदम सही बोला है जी। उसके पास जो समस्या था वो अपने समस्या का बयान किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने, ये काबिले तारीफ है, उसका मामला का हल होना चाहिए। लेकिन मैं यही समस्या को तो पिछले 8 से 10 महीनों से मैं उठा रहा हूँ। यहाँ एक सोनू के पास समस्या नहीं है, इस बिहार के धरती पर 1 करोड़ सोनू है जिसके साथ ये समस्या है। और यहाँ एक दीपक कुमार जैसा नॉट मेरिट का शिक्षक नहीं है, यहाँ लाखों लाख नॉट मेरिट का शिक्षक दीपक कुमार जैसा भरे पड़े हैं। तो सबसे पहले उन शिक्षकों को पहले समझना होगा और समझाना होगा कि वो पढ़ाने के लायक ही नहीं है, तो आखिर वो शिक्षक में करेंगे क्या, करेंगे क्या? तो सबसे पहले उनको निपटना चाहिए। दूसरी बात मैं एक और कह रहा हूँ आपको, जिसने भी ये दीपक कुमार जैसे शिक्षकों को पैसा लेकर के भर्ती किया है, खास करके डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जैसे अधिकारी, ये डॉक्टर रंजीत सिंह जैसे अधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई करना चाहिए और बर्खास्त करके इनको जेल में ठूस देना चाहिए। और ये रंजीत कुमार इतना ही नहीं रुके, ये बिहार में भ्रष्टाचार का इतना आलम है कि अनगिनत दीपक कुमार जैसे नॉट मेरिट का अनपढ़ जाहिल शिक्षकों को भर दिया। और इतनी साहस कि विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में बदलाव करके जी, अपने पसंद के लोगों को डालने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र कर दिया डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने। और हम 30,675 मेरिटधारी अभ्यर्थियों को जो हम परीक्षा पास करके आए उसको सिरे से खारिज कर दिया है। बताइए अभिषेक भाई, अगर अनिल जैसा शिक्षक अगर रहेगा किसी भी स्कूल में तो ये सरकार के लिए शान की बात होगी कि शर्मिंदगी की बात होगी, बताइए? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरे जैसा शिक्षक अगर कहीं भी बिहार के किसी भी धरती पर रहेगा, किसी भी स्कूल में रहेगा, तो आप जैसे लाखों पत्रकार अगर मुझसे कोई भी सवाल करेगा तो क्या कहीं फंसने वाला है अनिल? अरे तो बिहार के वित्त मंत्री और भारत के वित्त मंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति में और एडमिशन के स्पेलिंग में फंस जा रहा है शिक्षक। हम तो दुनिया के 212 और 218 देश के वित्त मंत्री का नाम जानते हैं, ये वो अनिल है, और जिसको ये रंजीत कुमार सिंह ने षड्यंत्र के तहत हमें पराजित करने का एक षड्यंत्र रचा है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे, इंसाफ देना होगा। और एक सोनू का मामला नहीं है ये अभिषेक भाई, मैंने कह दिया इस मामला को आप उठाइए, यहाँ 1 करोड़ सोनू का मामला है। और एक दीपक कुमार जैसा अनपढ़ जाहिल और बददिमाग से खेत नहीं है, यहाँ लाखों भर्ती हो गए हैं और कई लाख भर्ती करने की तैयारी चल रही है। एसटीईटी उसका एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है, अपने पसंद के लोगों को अनिल जी रिसाइनमेंट करने के लिए देख रहे हैं। अभी जिस परिस्थिति में चल रहा है बिहार का भविष्य अभी गर्त में जाता दिख रहा है, बिहार का शिक्षा व्यवस्था गर्त में जाता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ अनपढ़ जाहिलों की फौज खड़ी कर रही है। अनिल जी, एक और सवाल रहेगा, इतना आप लोग पढ़े हैं उसके बाद भी आप लोगों की बहाली नहीं हो रही है, कैसे होगा? रंजीत कुमार सिंह जैसा भ्रष्ट अधिकारी अगर बैठेगा तो कहीं हमारी बहाली होगी? गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं? वो भ्रष्ट अधिकारी है, वो पर बताइए तो मानहानि का केस करता है वो भ्रष्टाचारी, वो हमारे ऊपर केस करके तो दिखा दे, उसको मोड़े मोड़ हराएंगे। उसने हम लोगों का जीवन को नर्क बना दिया है रंजीत कुमार ने, और रंजीत कुमार ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया कि उसने पैसे लेकर के अपने पसंद के लोगों को पात्र बनाने के उस गद्दार ने, उस भ्रष्टाचारी ने विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया। हम इसको बर्दाश्त करने वाले हैं? हम कहीं बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और एक सोनू नहीं है, 1 करोड़ सोनू है, और एक दीपक कुमार जैसा आयोग शिक्षक नहीं, यहाँ कम से कम लाखों आयोग शिक्षक है जिसको स्कूल से सीधे बर्खास्त करने की जरूरत है जी। और उस आयोग शिक्षक को भर्ती करने वाला ये रंजीत कुमार सिंह जैसा अधिकारी को बर्खास्त करने की जरूरत है जी। बहुत बड़ा मामला है ये,
क्या लगता है अनिल जी, आप लोगों की बहाली कब तक होगी? हमारी बहाली तो होगी, कौन माई के लाल पैदल जो हमको रोक देगा, जो रास्ता में आएगा उसको चकना चूर उड़ा देंगे। अनिल जी मिल रहा है आप लोग, आश्वासन तो मिल ही रहा है। तो हम लोग बापू के भक्त हैं, अम्बेडकर के भक्त है, राष्ट्र भक्त है, देश भक्त है ना। तो हम लोग तो अहिंसा के पुजारी है ना, हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से ना संघर्ष करेंगे, और इसीलिए देर हो रहा है। हम लोग हथियार नहीं उठा सकते ना अभिषेक भाई, लेकिन ये गद्दार गद्दारी का सीमा पार कर रहा है, ये भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी का सीमा पार कर रहा है, बर्दाश्त से परे हो चुका है। बताइए तो, इतना स्पष्ट हो चुका है कि इस राज्य के सभी स्कूल में अनपढ़ जाहिलों की फौज खड़ी हो चुकी है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं राज्य के पत्रकार को समझ में आ रहा है, न बुद्धिजीवी वर्ग को समझ में रहा है, न सियासतदानों को समझ में रहा है, न विपक्ष के नेता को समझ में आ रहा है, न पढ़े लिखे लोगों को समझ में आ रहा है। तो भाई करेगा क्या? एक सोनू का समस्या नहीं है, यहाँ 1 करोड़ सोनू का समस्या है, कौन देखेगा उसको? कितने को डालोगे तुम पब्लिक स्कूल में? तमाम एसटीटी अभ्यर्थियों को क्या संदेश जाएगा आपके तरफ? तमाम एसटीटी अभ्यर्थियों को मेरा संदेश है कि मेरे साथियों एकदम कफन बांध के लड़ने को तैयार हो जाओ, अपने आप से गद्दारी मत करो। अगर लड़ने को तैयार नहीं हुए तो समझ लेना कि तुम्हारे जैसा गद्दार इस धरती पर कोई नहीं है। मेरी धारियों, तुम मेरे दिल में रहते हो, संघर्षशील हो, विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर तुम नहीं लड़े ना अपने खिलाफ में हो रहे अत्याचार के खिलाफ, अगर नहीं बोले ना तो ये गद्दारी होगी, और मुझे गद्दारी पसंद नहीं होगा जी। अधिकार बनता है, और मैं आपके साथ रहूंगा, आपके लिए बोलूंगा, आपके खिलाफ भी बोलूंगा अगर आप अपने खिलाफ गद्दारी करोगे। इसलिए सभी मेरी धारियों से मेरा आह्वान है कि कफन बांध के तैयार रहो, अगर जरूरत पड़ेगा तो ये अनिल इस दुनिया से चला जाएगा, दुनिया से चला जाएगा, इतना बड़ा वादा कर रहा हूँ मैं। कम से कम 30,674 मेरे अभ्यर्थी से बिहार को मिले, और दीपक कुमार जैसे कलंक से कलंकित नहीं होगा ये बिहार। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल देख सकते हैं स्टेटी का अभ्यर्थी अनिल, साफ साफ इनका कहना है कि जो शिक्षा व्यवस्था बिहार का कहीं ना कहीं बहुत खराब हो चुका है, लगातार यह मांग कर रहे, गुहार लगा रहे हैं कि एसटीटी के अभ्यर्थियों की बहाली हो। तमाम अभ्यर्थियों को संदेश अनिल की तरफ से गया है, तमाम अभ्यर्थी एक साथ आए, कफन बांध कर आए और ठान ले कि हमें बहाली खुलवानी है, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, तभी बहाली जो है वो खुलेगी। अनिल से एसटीटी अभ्यर्थी क्या कुछ कहना था आपने सुना, और तमाम खबरों के लिए बना रहे 24 न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद।